मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अहम अमरीकी मालूमात लीक होने का मामला, कनाडा समेत अहम इत्तेहादी मुतासिर। हैकर्स ने कनाडा के कुदरती गैस के नेटवर्क तक कामयाबी से रसाई हासिल की। माहरीन का कहना है कि कंपनियों को चौकन्ना होने की जरूरत है। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ मारखम का कैनेडियन हुकाम से नफरत अंगेज वाक़यात रोकने का मुतालबा। इस्लामी तंजीमों ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से मजीद इकदामात का मुतालबा कर दिया। इस्लामी तंजीमों ने इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों को कैनेडियन माशरे के लिए खतरा करार दे दिया। कैनेडियन अरकीन पार्लियामेंट का वक्त ताइवान पहुंच गया। कैनेडियन वक्त के दौरे का मकसद ताइवान की हिमायत का अदा करना है। कैनेडियन वक्त ताइवान की सदर समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। रूस का यूक्रेन के शहर बाखमुत के 75% इलाके पर कंट्रोल का दावा। रूसी हुकाम की जानिब से इलाके की वीडियो भी जारी कर दी गई। यूक्रेन ने 100 यूक्रेनियों के बदले 106 रूसी जंगी कैदियों को रिहा कर दिया। पेंटागन की लीक दस्तावेजात अमरीकी कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि दस्तावेजात में मौजूद मालूमात से लोगों की जानें जा सकती हैं। अभी तक इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि ये कैसे लीक हुई हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Shawarma, now serving from 4 locations. अहम अमरीकी मालूमात लीक होने के बाद इस बात का इंकशाफ हुआ है कि रूसी हिमायत याफ्ता हैकर्स ने कनाडा के कुदरती गैस की तकसीम के नेटवर्क तक कामयाबी से रसाई हासिल कर ली। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के साथ रूस की जंग और उसके मुमकिन असरात के बारे में हसास अमरीकी इंटेलिजेंस के अफशा होने की तफसीलात के बाद अमरीकी हुकूमत के अहदेदारों ने हफ्ते के आखिर में ब्रीफिंग में कनाडा समेत इत्तेहादियों और शराकत दारों को मुतासिर किया। दस्तावेजात के जखीरे में मुबैना तौर पर उन दावों का अंदाजा शामिल था कि रूसी हिमायत याफ्ता हैकर्स फरवरी में कनाडा के कुदरती गैस के बुनियादी ढांचे के हिस्से को कंट्रोल करने वाले सिस्टम तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुए। साइबर सिक्योरिटी के माहरीन अमरीकी इंटेलिजेंस दस्तावेजात के लीक होने वाले एक पेज के अंदर मौजूद इंकशाफात से हैरान नहीं है, जिससे पता चलता है कि रूसी हिमायत याफ्ता हैकर्स ने कनाडा के कुदरती गैस की तकसीम के नेटवर्क तक कामयाबी से रसाई हासिल कर ली है। लेकिन
उन्होंने कहा कि कंपनी के नेटवर्क या सर्वर्स तक रसाई हासिल करने और कनाडा की तवानाई की फराहमी में खलल डालने या अमलाक को नुकसान पहुंचाने में बहुत फ़र्क है। सोशल मीडिया साइट्स पर पेंटागन की दस्तावेजात की एक वाज़ह रिलीज हाल ही में न सिर्फ यूक्रेन में अमरीकी और नेटो की कार्रवाइयों की तफसील के लिए जाहिर हुई, बल्कि इसमें रूसी हिमायत याफ्ता हैकर्स का दावा भी शामिल है कि उन्होंने कनाडा के कुदरती गैस के बुनियादी ढांचे तक कामयाबी से रसाई हासिल की। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, जो कनाडा के गैर मुल्की इंटेलिजेंस जमा करने और साइबर सिक्योरिटी की निगरानी करती है, ने एक बयान में कहा कि वो मखसूस वाकयात पर तबसरा नहीं करता है, लेकिन उसने मजीद कहा कि ये इंटरनेट से मुंसलिक टेक्नोलॉजी पर इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम रुकावट के मौके के बारे में फिक्रमंद है, जो सनअती अमल को आगे बढ़ाती है। माहिरीन का कहना है कि कनाडा के तवानाई के शोबे को मामूल के मुताबिक साइबर क्रिमिनल मालियाती फायदे के साथ साथ रियासती सरपरस्ती वाले हैकर्स की तरफ से निशाना बनाया जाता है, जो तबाही फैलाने की उम्मीद रखते हैं। ये एक झटका होगा अगर वो कनाडा के बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बना रहे थे, क्योंकि वो दुनिया भर में तवानाई के बुनियादी ढांचे को मामूल के मुताबिक निशाना बना रहे हैं। तेल और गैस कंपनियों को खुद साइबर हमले के माली और ऑपरेशनल खतरे के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, लेकिन हैकर की जानिब से किसी भी अहम मुद्दत के लिए कैनेडियंस के लिए तवानाई की फराहमी में नुमाया तौर पर खलल पड़ने का खतरा इंतहाई कम है। मारखम की इस्लामिक सोसाइटी नफरत अंगेज वाक़े के बाद सूबाई और वफाकी हुकूमतों से इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने और मजहबी कम्युनिटीज़ के तहफ़ को बेहतर तरीके से तहफ़ फराहम करने का मुतालबा कर रही है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। मारखम की इस्लामिक सोसाइटी गुज़िश्ता हफ्ते टोरंटो के शुमाल में वाक़िया मस्जिद में पेश आने वाले मुबैना नफरत अंगेज वाक़े के बाद सूबाई और वफाकी हुकूमतों से इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने और मजहबी कम्युनिटीज़ के तहफ़ को बेहतर तरीके से तहफ़ फराहम करने का मुतालबा कर रही है। यॉर्क रीजनल पुलिस ने एक 28 साल शख्स को गिरफ्तार किया, जिसने जुमेरात की सुबह मस्जिद में इस्लामोफोबिक नारे लगाए और अपनी गाड़ी बराह रास्त एक नमाजी पर चढ़ा दी। मुश्तबा शख्स पर अब हर एक पर हथियार से हमला करने, धमकियां देने और खतरनाक ड्राइविंग करने का इल्जाम आयद किया गया है। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ मारखम के सदर कासिर नासिर खान ने कहा कि कम्युनिटी के अराकीन के पास खौफजदा होने की वजह है, लेकिन उन्हें डराया नहीं जा सकता। खान ने वफाकी हुकूमत से कम्युनिटी एट रिस्क बढ़ाने का मुतालबा भी किया। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, जो कि गैर मुनाफा बख्श तंजीमों के लिए सिक्योरिटी की लागत में मदद के लिए फंड फराहम करता है, जिन्हें नफरत पर मबनी जुर्म का निशाना बनाए जाने का ज्यादा खतरा है। खान ने कहा कि मस्जिद इंतजामिया इस साल बजट में तौसी देखकर खुश है, लेकिन कहा कि वो इस बात पर फिक्रमंद है कि प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त देना मुश्किल है और इस पर अमल दरामद में महीनों लगते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नादिया हसन ने कहा कि काउंसिल इस्लामिक सोसाइटी ऑफ मारखम की कार्रवाई के मुतालबात की हिमायत करती है। उन्होंने मजीद कहा कि वो वफाकी हुकूमत से कम्युनिटी की तालीम और मशगूलियत पर तवज्जो देने के लिए मजीद फंडिंग देखना और इस्लाम के बारे में खराफात को दूर करना चाहती हैं। उन्होंने कहा, हकीकत यह है कि ये वाकया कनाडा में बढ़ते हुए नफरत अंगेज जराइम और इस्लामोफोबिक बयानबाजी की शिद्दत के एक वसी मसले का हिस्सा है। कनाडा के अराकीन पार्लियामेंट का एक वफ कसीर रोज़ा दौरे पर ताइवान पहुंचा है, जो कि ताइवान के सदर के गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका के दौरे के बाद जजीरे के लिए मगरबी हिमायत का ताज़ा तरीन मुजाहरा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के अराकीन पार्लियामेंट का एक वफ कसीर रोज़ा दौरे पर ताइवान पहुंचा है, जो कि ताइवान के सदर के गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका के दौरे के बाद जजीरे के लिए मगरबी हिमायत का ताज़ा तरीन मुजाहरा है। वफ की आमद ऐसे वक्त में हुई जब चीन ने ताइवान के करीब 3 रोज़ा बड़े पैमाने पर जंगी मशकें मुकम्मल की, जिनमें जमहूरी तौर पर हुकूमत वाले जजीरे को सील करना शामिल था, जिसे बीजिंग अपना ख्याल करता है। इस कसीर जमाती वफ की क्यादत लिबरल MP जॉन मैके कर रहे हैं, जो कौमी दिफा के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स की कायमा कमेटी के सरबरा है। इस कमेटी के नायब सरबरा कंजर्वेटिव MP जेम्स बेजान, कनाडा चीन तालुकात और खारजा उमूर की कमेटी के नायब सरबरा ब्लॉक क्यूबेको के स्टीफन ब्रिजिरोन के साथ इस ग्रुप का एक हिस्सा भी है। मजमूई तौर पर ये ग्रुप 3 लिबरल MPs, 4 कंजर्वेटिव MPs, 2 NDP MPs और ब्रिजिरोन ब्लॉक के वाहिद नुमाइंदे पर मुश्तमिल है। मैक के दफ्तर ने बताया कि वक्त इतवार को ताइपे पहुंचा और 15 अप्रैल तक वहां रहेगा। ताइपे में कनाडा के तजारती दफ्तर ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि ये ग्रुप ताइवान की सदर साई इंग वेन और नायब सदर लाई चिंग ते के साथ साथ
کاروباری بیرادری کے نمائندوں اور مقامی غیر سرکاری تنظیموں سے ملاقات کرے گا۔ کینیڈین وفد کی آمد صرف ایک دن بعد ہوئی جب تسائی نے ہفتے کے آخر میں تائیوان میں امریکی قانون سازوں کے وفد سے ملاقات کی۔ تسائی کا بیرون ملک سفر، جسے وسطی امریکہ میں تائیوان کے گھٹتے ہوئے سفارتی اتحاد کو آگے بڑھانے اور اس کی امریکی حمایت کو بڑھانے کے لیے ایک نازک مشن کے طور پر تیار کیا گیا تھا، اس نے چین کو ناراض کیا اور جزیرے کے ارد گرد 3 دن کی فوجی مشقیں شروع کر دیں۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی افواج یوکرین کے شہر باخموت کے 75% سے زائد حصے پر کنٹرول رکھتی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی افواج یوکرین کے شہر باخموت کے 75% سے زائد حصے پر کنٹرول رکھتی ہے۔ باخموت میں 13 ماہ کی جنگ سب سے خونریز جنگ رہی ہے، جس کا موازنہ پہلی جنگ عظیم سے کیا جاتا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ باخموت پر قبضے سے یوکرین میں مستقبل میں حملوں کے امکانات کھل جائیں گے، جبکہ کیف اور مغرب کا کہنا ہے کہ اب تباہ شدہ شہر روس کے لیے صرف علامتی اہمیت رکھتا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ماسکو میں تعینات علاقائی رہنما ڈینس پیشلین نے کہا ہے کہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شہر کا 75% سے زیادہ حصہ ہماری اکائیوں کے کنٹرول میں ہے۔ ڈینس پیشلین کی جانب سے ٹیلیگرام پر مبینہ طور پر یوکرینی شہر کا دورہ کرتے ہوئے فوٹیج بھی شیئر کی گئی، جہاں گزشتہ موسم گرما سے لڑائی جاری ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیشلین ایک عمارت میں روسی فوجیوں سے ملاقات کر رہے ہیں، تاہم غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس بات کی تصدیق نہ ہو سکی کہ یہ واقعی ہی باخموت کا علاقہ ہے۔ دوسری جانب یوکرین نے 100 یوکرینیوں کے بدلے 106 روسی جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے، جس کی تصدیق دونوں ممالک کی جانب سے کی گئی ہے۔ روسی میڈیا نے وزارت دفاع کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ 10 اپریل کو مذاکراتی عمل کے نتیجے میں 106 روسی فوجیوں کو کیف حکومت کے زیر کنٹرول علاقے سے واپس لایا گیا ہے، جو وہاں موت کے خطرے میں تھے۔ وزارت دفاع کے مطابق روسی جنگی قیدیوں کو ماسکو بھیجا جائے گا، جہاں ان کا طبی علاج کیا جائے گا۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع کی خفیہ دستاویزات کا لیک ہونا قومی سلامتی کے لیے انتہائی سنگین خطرہ ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع کی خفیہ دستاویزات کا لیک ہونا قومی سلامتی کے لیے انتہائی سنگین خطرہ ہے۔ ترجمان پینٹاگون کرس میگر نے اپنے بیان میں کہا کہ دستاویزات میں موجود معلومات سے لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں۔ ڈیفینس سیکرٹری لائٹ آسٹن کو ان دستاویزات سے متعلق 6 اپریل کو بریف کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ان دستاویزات میں یوکرین جنگ کے ساتھ ساتھ چین اور امریکی اتحادیوں کے بارے میں بھی حساس معلومات شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ فائلیں سینئر لیڈرز کو جاری کردہ دستاویزات کی طرح کی شکل میں ہیں اور لیک کے ذریعے کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ دستاویزات سب سے پہلے آن لائن پلیٹ فارمز جیسے ٹویٹر، چان اور ٹیلی گرام کے ساتھ ساتھ ویڈیو گیم مائن کرافٹ کے لیے ڈسکارڈ سرور پر سامنے آئیں۔ یوکرین جنگ کے بارے میں انتہائی تفصیلی معلومات کے علاوہ کچھ لیک ہونے والی دستاویزات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امریکی اتحادیوں سے متعلق حساس بریفنگ مواد پر روشنی ڈالتی ہیں۔ حکام کے مطابق دستاویزات میں شاید کچھ رد و بدل کر دی گئی ہیں۔ دیگر دستاویزات میں مبینہ طور پر مشرق وسطی کے ساتھ ساتھ ہند بحر الکاہل کے خطے میں دفاع اور سلامتی کے مسائل پر توجہ دی گئی ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پینٹاگون کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، یہ دستاویزات قومی سلامتی کے لیے بہت سنگین خطرہ ہیں اور ان میں غلط معلومات پھیلانے کی صلاحیت ہے۔ ہم ابھی تک اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ کیسے لیک ہوئی ہیں۔ خیال رہے کہ محکمہ انصاف اب پینٹاگون، وائٹ ہاؤس اور امریکی حکومت کے دیگر محکموں کے اہلکاروں سے دستاویزات لیک ہونے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔